जादूगर हमें कैसे बेवकूफ बनाते हैं कि इस वीडियो में हम एक रिंग को अपने आप आगे चलते हुए एक ही पैकेट से अलग अलग लिक्विड्स बाहर आते हुए आदमी को बीच से कटते और फिर जुड़ते हुए और जादूगर को पूरी की पूरी तलवार निकलते हुए देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इन मैजिक के पीछे के सीक्रेट्स। क्योंकि जिसे हम जादू समझते हैं वो बस एक कमाल की ट्रिक और जादूगर के सालों की प्रैक्टिस होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल बट इम्प्रेसिव ट्रिक से, जिसे आप भी किसी को भी दिखाकर उसे इम्प्रेस कर सकते हैं। इस जादू में मैजिशियन एक रिंग को एक स्ट्रिंग में डालकर स्ट्रिंग को दोनों हाथों से कुछ इस तरह से पकड़ता है और तभी वो रिंग अपने आप उस स्ट्रिंग पर आगे मूव होने लगती है। चौंकिए मत, ये कमाल का जादू आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे करने के लिए आपको किसी जादुई शक्तियों की नहीं बल्कि बस एक रबर बैंड और एक रिंग की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये स्ट्रिंग नहीं बल्कि एक रबर बैंड है। पहले रबर बैंड को काट लीजिए और फिर उसमें रिंग डालकर उसे दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लेना है। रिंग आपके राइट हैंड के करीब रखनी है और रबर बैंड को स्ट्रेच करके रखना है। रबर बैंड का कुछ भाग अपने राइट हैंड में अनस्ट्रेच्ड रखना है, ये भाग सबसे छुपा कर रखना है ताकि किसी को शक ना हो कि आपके हाथ में एक रबर बैंड है। और अब बस धीरे धीरे राइट हैंड से रबर बैंड को रिलीज करते जाना है, जिससे रिंग कुछ इस तरह से मूव करती हुई नजर आएगी। इस अगले कमाल के मैजिक ट्रिक को परफॉर्म किया है मैजिशियन मैट फ्रैंको ने। इस मैजिक ट्रिक में जादूगर एक दूध से भरा कार्टन लाता है और उससे एक ग्लास में दूध डालता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब देखिए जादूगर का कमाल। जादूगर अगला ग्लास उठाता है और उसी कार्टन से उसमें दूध डालता है, लेकिन एक मिनट, ये तो दूध नहीं है, ग्लास ऑरेंज जूस से भर जाता है। ऐसे ही जादूगर अगला ग्लास उठाता है और उसी कार्टन से उसमें लिक्विड पोर करता है, जो इस बार बियर होती है। ऐसे ही जादूगर 6 अलग अलग ग्लास में सेम कार्टन से 6 अलग अलग टाइप के लिक्विड्स डालता है, जिसमें एक ग्लास में प्योर वाटर भी होती है। लेकिन कैसे मैजिशियन एक ही कार्टन से अलग अलग लिक्विड निकाल लेता है? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जादूगर के इस कार्टन में अलग अलग कंपार्टमेंट है तो रुकिए जरा, क्योंकि लास्ट में मैजिशियन कार्टन को फाड़कर सबको दिखा देता है कि उसमें कोई अलग अलग कंपार्टमेंट मौजूद नहीं है। तो अब बताइए जादूगर ने ऐसा कैसे किया होगा? चलिए जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। दरअसल इस कार्टन में कोई ट्रिक नहीं छुपा और ये बिल्कुल सिंपल प्योर वाटर से भरा हुआ है। असल में सारा ट्रिक इस ग्लास में है, जिसमें पहले से ही अलग अलग कलर के पाउडर को डाला गया है जो ग्लास के बॉटम में मौजूद है। अगर आप ध्यान से देखें तो जादूगर ग्लास को उठाने के बाद ग्लास के बॉटम को अपनी उंगलियों की मदद से सबसे छुपा लेता है, जिससे नीचे मौजूद कलर किसी को ना दिखे। वही सिर्फ वो ग्लास सबको देखने देता है जिसमें जादूगर सिर्फ पानी रखने वाला है, क्योंकि उस ग्लास में नीचे कोई कलर नहीं डाला गया है, इसलिए सिर्फ उस ग्लास को सबको दिखाकर जादूगर एक्ट को कन्विंसिंग बना देता है। अब जादूगर एक के बाद एक ग्लास उठाता है, उसमें कार्टन से पानी डालता है जो ग्लास में जाने के बाद ऑरेंज, ब्राउन और अलग अलग कलर के हो जाते हैं। लेकिन अब भी ट्रिक का एक पार्ट बाकी है, जहां जादूगर जज को जूस ऑफर करता है और जजेस उसे टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर ग्लास में सिर्फ कलर वाला पानी है तो जजेस को जूस और बियर का टेस्ट कैसे आता है? दरअसल जब जादूगर लास्ट ग्लास में नींबू पानी यानी लेमनेड बना रहा होता है, सिर्फ उसी में ओरिजिनल लेमनेड पाउडर होता है। और इसी बीच जादूगर का असिस्टेंट बाकी ग्लास वाले ट्रे को असली बेवरेजेस के ट्रे से बदल देता है और जादूगर उस ट्रे में लास्ट लेमनेड वाले ग्लास को रख कर जजेस को ऑफर कर देता है। ट्रे बदला गया है, इसका सबसे बड़ा सबूत है ये बियर ग्लास, क्योंकि जब जादूगर ने ग्लास में बियर डाला था तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था। यहाँ ग्लास के ऊपर कोई झाग नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्लास में सिर्फ कलर वाला पानी है। वहीं जो बियर का ग्लास जज के पास है, उसमें आप परफेक्ट बियर से भरा ग्लास जिसके ऊपर फोम भी है देख सकते हैं। तो देखा आपने जादूगर ने कैसे अपने कमाल के ट्रिक से हमें बेवकूफ बना दिया। इंसान को बीच में से काटने के जादू का सीक्रेट हमने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था, लेकिन ये जादू उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि मैजिशियन केविन जेम्स द्वारा परफॉर्म किए गए इस मैजिक एक्ट में कटा हुआ आदमी कटने के बाद डांस भी करता है और डांस करके सबको हैरान कर देता है।
इस एक्ट में मैजिशियन एक चेन सॉ से अपने चलते फिरते पेशेंट को हाफ में काट देता है और उसका अपर बॉडी सर्जिकल टेबल पर गिर जाता है और लोअर हाफ वैसे ही खड़ा रहता है। लेकिन सब तब चौंक जाते हैं जब मैजिशियन सबको दिखाता है कि पेशेंट के अपर बॉडी और टेबल के बीच सच में कुछ नहीं है। और इसके बाद जादूगर कहता है कि अब वो फिर से कटे हुए बॉडी को वापस जॉइंट करने वाला है, जिसके बाद मैजिशियन अपने जेब से एक स्टेपलर निकालता है और दोनों बॉडी पार्ट्स को साथ रखकर उसे स्टेपल कर देता है और ऐसा करते ही बॉडी फिर से जुड़ जाती है। लेकिन कैसे? क्या सच में कोई इंसान ऐसे काटे जाने के बाद जिंदा रह सकता है? अगर नहीं तो फिर मैजिशियन ने ये एक्ट कैसे किया? चलिए जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। दरअसल स्टार्टिंग में जिस पेशेंट को आप टेबल के साथ चलते हुए देख रहे हैं, असल में ये एक आदमी नहीं बल्कि दो आदमी है। लोअर पार्ट जिस आदमी का है वो कुछ इस तरह से बेंड होकर टेबल के अंदर घुसा हुआ है और सिर्फ उसकी टांगे ही बाहर है। वहीं जिस आदमी की अपर बॉडी है वो रियल में एक ऐसा इंसान है जिसकी लोअर बॉडी है ही नहीं। आपने ऐसे कई इंसानों की वीडियोस देखी होंगी जिनकी बाजुए नहीं है या पूरी की पूरी लोअर बॉडी किसी एक्सीडेंट की वजह से या जन्म से ही नहीं होती है। यहाँ भी एक ऐसे ही इंसान को रखा गया है जिसकी लोअर बॉडी नहीं है और इस तरह से मैजिशियन बॉडी कट करने की बस एक्टिंग करता है और बड़े ही कॉन्फिडेंटली सबको शो भी करता है कि कटी हुई बॉडी और टेबल के बीच कुछ नहीं है। अब आते हैं ज्वाइनिंग वाले पार्ट पर। तो अगर ये दोनों इंसान अलग अलग थे तो ज्वाइन होने के बाद ऐसे कैसे डांस कर पा रहे हैं? दोस्तों ये पहले अलग अलग जरूर थे लेकिन इन्हें मैजिशियन द्वारा ज्वाइन किए जाने से जस्ट पहले स्क्रीन के पीछे ले जाया जाता है, जहां बड़ी ही चालाकी से इस सेटअप को एक दूसरे डुप्लीकेट आदमी से बदल दिया गया है जो दिखने में इस आदमी की तरह ही लगता है। यहाँ मास्क भी इसलिए पहना गया है ताकि जब इस आदमी को रिप्लेस किया जाए तो ऑडियंस को कोई शक ना हो। अब यहाँ रिप्लेस किया हुआ फुल बॉडी वाला आदमी स्टेज पर है और रिप्लेस किए गए फुल बॉडी वाले पेशेंट के बॉडी पोज को यहाँ से देखकर आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों आदमी अलग अलग हैं। तो इस तरह बिल्कुल सही सलामत फुल बॉडी वाले आदमी से रिप्लेस करने के बाद मैजिशियन उसे बस ज्वाइन करने की एक्टिंग करता है और ऐसा करके सबको हैरान कर देता है। दोस्तों आपने पूरे के पूरे तलवार को निगलने वाला एक्ट वीडियो में या किसी ना किसी जादू शो में देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस कमाल के जादू की शुरुआत इंडिया में हुई, वो भी आज से 4000 साल पहले, और भारत ने दुनिया को ये कला सिखाई और आज बड़े बड़े मैजिक शोज का ये एक पॉपुलर एक्ट है। इस खतरनाक एक्ट को एक स्टेप और आगे ले गए मैजिशियन अलेक्जेंडर मगाला, जब उन्होंने 16 इंच के इस तलवार को निगला भी और निगलने के बाद बैक फ्लिप्स भी मारे। लेकिन ये तलवार निगलने का एक्ट किया कैसे जाता है? क्या इसके पीछे कोई ट्रिक है या कोई मैजिक? दोस्तों इस खतरनाक एक्ट को दो तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका बहुत ही खतरनाक है जिसे करने के लिए किसी ट्रिक की नहीं बल्कि सालों की प्रैक्टिस चाहिए। इसमें मैजिशियन सच में सालों अपनी गैग रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता है और इसमें महारत हासिल करता है। साथ ही इस एक्ट में एक रियल तलवार को सच में निगला जाता है और इसीलिए पूरी दुनिया में 100 से 150 लोग ही ये ट्रिक परफेक्टली कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करना भी काफी खतरनाक हो सकता है तो इसे घर पर या कहीं भी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। ये तरीका थोड़ा आसान और कम खतरनाक है। इसमें जिस तलवार को निगला जाता है वो एक नकली प्लास्टिक का स्वॉर्ड होता है जो मुंह के अंदर जाते ही कुछ इस तरह से मुड़ता जाता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे मैजिशियन तलवार को निगल रहा है लेकिन असल में तलवार मुंह के अंदर ही फोल्ड हो जाता है और जब तलवार को वापस बाहर निकालना होता है मैजिशियन जोर से अपने लिप्स को बंद करते हुए स्वॉर्ड को बाहर खींचता है जिससे तलवार वापस स्ट्रेट होकर ओरिजिनल शेप में आ जाती है और इस तरह मैजिशियन इस फेक स्वॉर्ड की मदद से सबको बेवकूफ बना देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे।